सर्वानंद पार्क आदर्श नगर विधानसभा में सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रूबरू होने का अवसर मिला। आज पूरे देश में भारत विकसित संकल्प यात्रा का जो आयोजन चल रहा है, जहां करोड़ों करोड़ों लोग लाभार्थी यात्रा तक पहुंचे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। जन कल्याणकारी योजनाएं जो पिछले 5 साल पहुँच नहीं पाई थी, वो सारी योजनाएँ अब घर घर तक पहुँचे, प्रत्येक अंतिम छोर तक पहुँचे और प्रत्येक गरीब गणेश के रूप में जिन्हें माना गया हमारे लिए, उन सब तक पहुँचे। उसी संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की गाड़ी, नमो गाड़ी, मोदी गाड़ी, बहुत सारे नामों से जो लोग जानते हैं, वो सारी गाड़ियाँ पहुँच रही है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आप देखे होंगे कि बिना किसी भेदभाव के पिछली सरकारों ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जिस प्रकार का कुशासन था, तुष्टिकरण की राजनीति थी, उन सबसे ऊपर उठकर सब जाति धर्म पूरा परिवार, भारत के रहने वाला प्रत्येक नागरिक, उस तक वो योजना पहुँचे, उसका लाभ पहुँचे। उसके लिए 39 से लगभग ऊपर की योजनाएं हैं जिनको पहुंचाने का, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का काम प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारा प्रशासन साथ मिलकर कर रहा है और लोगों को इससे बहुत लाभ मिल रहा है। ये पुण्य कमाने का एक शुभ अवसर है। कोई तीर्थ पर जाके पुण्य कमाता है, ये एक शुभ अवसर मिला है कि हम लोग जनकल्याणकारी योजनाएं आप आम आदमी तक, हर व्यक्ति तक पहुंचा के, और उसका आशीर्वाद जो मिल रहा है वही पुण्य हमारे लिए। सर, मेरे को आप देखते हैं 2047 में विकसित भारत की नींव लगातार आगे बढ़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न तरह की योजनाओं का सीधा लाभ जनता को दिया जा रहा है। मोदी जी ने यह भी शुरू किया है कि वे सीधे यह देखें कि योजनाएं जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या कोई व्यवधान आ रहा है, उनको कैसे सुगम बनाया जा सकता है। इसलिए वो लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे हैं कि आपको इसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इसके लिए भी ऐसे जो कैंप लग रहे हैं विकसित भारत यात्रा के, उसमें इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जो जनता बैठी हुई है उसको महसूस हो कि किस तरह की योजनाओं का कैसे लाभ लिया जा सकता है। तो यह एक तरह से ट्रेनिंग भी है और एक तरह से ये जनता को पहुंच रही योजनाओं के लाभ का पता चलाना भी है। अब एक चीज देखने में आ रही है कि इसका फायदा कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीमित लोगों को ही मिल रहा है। तो जैसे सिविल लाइन क्षेत्र में ये कोशिश की गई कि अलग अलग क्षेत्रों में कैंप लगाया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरानी सरकार से जुड़े अधिकारी ऐसी जगह ही कैंप लगाएं जिसका फायदा आम जनता को नहीं मिल सके। तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। एक और भी चीज़ शुरू हुई है कि कार्यकर्ता लोग जनता के बीच में जाकर पता करते हैं कि कहीं वो सही अप्लाई कर रहे हों और उनको न्याय नहीं मिल रहा हो। तो इस तरह से इसमें मीडिया की, जनता की, कार्यकर्ताओं की, जागरूक नागरिकों की, स्वयंसेवी संगठनों की, इनकी सतर्क भूमिका है। जैसे आप लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से इंटरव्यू करने चाहिए कि इनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पोर्टल जाम है, वो खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन होता ही नहीं है। टीवी की जांच हो रही है, उनको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पता चले उसको फिर बुला रहे हैं दो दिन बाद वो कहाँ जाएंगे, उनके तो कैंप फट जाने वाले हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो यह योजना है कि 2047 में एक विकसित भारत हो, तो उस विकसित भारत में हम सब अपना योगदान दे रहे हैं, राष्ट्रदान करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। एक सवाल।